हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा कि हमें पता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उस पर एप्लीकेबल होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता क्या है, उसके असेंशियल्स क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है सबसे पहले, क्योंकि अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए कोर्ट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होना चाहिए। तो व्हाट आर द वेरियस असेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सबसे पहली जो असेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है प्रेजेंस ऑफ टू पर्संस, मिनिमम टू पर्संस शुड बी देयर। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी आपकी, टू पर्संस, कम से कम दो पर्संस होने चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि एक पर्सन है वो खुद के साथ, अपने खुद के साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। एसेंशियल रिक्वायरमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो है ऑफर या प्रपोजल। तो ऑफर जो वर्ड है वो यूज किया गया है आपका इंग्लिश लॉ के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर प्रपोजल वर्ड हैज बीन यूज्ड और ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज। ऐसे डिफाइन किया गया है दैट व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अटेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अनदर पर्सन फॉर दैट डूइंग और एब्सटेनिंग, दैट इज कॉल्ड अ प्रपोजल। ठीक है, तो एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है कोई काम करने के लिए, कोई काम नहीं करने के लिए, किस पर्पस से, कि वो दूसरा पर्सन जिसको हमने हमारी विलिंगनेस बताई है वो उस काम को करने या ना करने के लिए अपनी एसेंट दे दे, अपनी कंसेंट दे दे। तो हमेशा इसका पर्पस क्या होता है, उस दूसरे पर्सन को वो काम करने या नहीं करने के लिए राजी करवा लेना, उसकी कंसेंट ले लेना, दैट इज नोन एज अ प्रपोजल। तो प्रपोजल के ऊपर वी विल हैव अ डिफरेंट लेक्चर। नेक्स्ट आपके असेंशियल पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो असेंशियल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ दिस प्रपोजल। ठीक है, तो जिस भी पर्सन को आपने प्रपोजल दिया है, ऑफर दिया गया है, व्हेन दैट पर्सन ही गिव्स हिज एसेंट, जब वो उस काम को करने या नहीं करने के लिए अपनी हामी दे देता है, अपनी कंसेंट दे दे देता है, तो हम क्या कहते हैं कि उसने उस प्रपोजल को, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। सो दैट इज नोन एज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज द थर्ड एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपने ऑफर दिया, सामने से ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया तो आपका ऑफर ऑफर ही रह गया है, वो कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन उससे नहीं हो। तो एक्सेप्टेंस जब आ जाएगी प्रपोजल के लिए तो वो आपका एक प्रॉमिस फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर बिकम्स प्रॉमिस। ठीक है, तो ऑफर या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स प्रॉमिस। और प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जब भी प्रपोजल दिया गया है, जिस पर्सन को भी प्रपोजल दिया गया था, जब उस पर्सन ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस, द फोर्थ असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो फोर्थ असेंशियल क्या है, दैट इज कंसीडरेशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द असेंशियल्स। दो पार्टीज हैं, एक पार्टी ने दिया है ऑफर, दूसरी पार्टी ने किया है उसको, जिस भी पार्टी ने ऑफर दिया था या प्रपोजल दिया था उस पार्टी को हम कहते हैं ही इज द प्रोमिसर। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, जिस पार्टी ने ऑफर या प्रपोजल दिया था वो प्रोमिसर है, ना कि जिसने प्रोमिस किया था। ठीक है, तो दिस बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन।
कि प्रॉमिस दिया था तो प्रोमिसर है, नहीं, प्रपोजल जिस पार्टी की तरफ से आया है ही इज द प्रोमिसर, और जिस पार्टी ने एक्सेप्ट किया है अब वहां से भी तो कुछ आएगा, ऐसा तो नहीं है कि हमने उसको फ्री में ही कुछ दे दिया है, बिकॉज एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए देयर हैज टू बी सम एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज। तो ऑफर देगा आपका ऑफरर या आपका जो प्रोमिसर है, और जिस पार्टी ने एक्सेप्ट किया है उस पार्टी की तरफ से आती है कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन का आपका लिटरल जो मीनिंग है वो क्या होता है, एक चीज के बदले में कोई दूसरी चीज, जिसको हम जनरल मीनिंग भी कह सकते हैं, समथिंग फॉर समथिंग, एक चीज के बदले में कोई दूसरी चीज। और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज क्विड प्रो को, ठीक है, समथिंग इन एक्सचेंज फॉर समथिंग। तो कंसीडरेशन को जो डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी। कंसीडरेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, व्हाट आर द वेरियस एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कंसीडरेशन, वो हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, बिकॉज आज हम करेंगे सिर्फ एसेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो अब कंसीडरेशन आ गई है, तो प्रॉमिस था हमारे पास, उसमें कंसीडरेशन ऐड हो गई है, तो अब जो चीज आई है हमारे पास वो क्या हो जाएगी आपका, दैट इज योर एग्रीमेंट। तो सबसे पहले अगली चीज क्या आ जाएगी आपकी, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इक्वल्स एग्रीमेंट। तो प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन आ जाती है देन इट बिकम्स योर एग्रीमेंट। तो अब एग्रीमेंट क्या है, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, दो पार्टीज हैं, एक पार्टी ने ऑफर दिया है, दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गया। जिस पार्टी ने एक्सेप्ट किया वहां से कुछ कंसीडरेशन आ गई है, प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन ऐड हो गई तो आपका बन गया एग्रीमेंट। नाउ एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, दैट इज एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। जब ये एग्रीमेंट आपका कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल हो जाए देन इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हाउ एग्रीमेंट बिकम्स एनफोर्सेबल बाय द एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए भी कुछ आपके एसेंशियल्स हैं, वो आपकी जो कंसीडरेशन है वो कैसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी लॉफुल, ठीक है, लॉफुल कंसीडरेशन होगी तभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, तभी आपका जो एग्रीमेंट है वो फॉर्म होगा, ठीक है। तो लॉफुल कंसीडरेशन क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या होंगे, वो हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट जो एसेंशियल आएगा दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई भी इलीगल या कोई भी ऐसा कैसे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होना चाहिए विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जैसे ए ने कहा बी को कि तुम जाके सी की पिटाई कराओ, मैं तुम्हें 50 रुपए दे दूंगा, सो पिटाई करना दैट इज नॉट अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो वो क्या होगा, वो हमेशा सिर्फ एक एग्रीमेंट ही रहेगा, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, दैट इज अनलॉफुल। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है इट मस्ट बी ऑलवेज लॉफुल। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट की भी कुछ एसेंशियल्स हैं, कुछ आपकी टर्म्स और कंडीशंस होंगी, वो भी हम एक दूसरे वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट जो एसेंशियल है दैट इज द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए यू मस्ट बी लीगली कॉम्पिटेंट, क्योंकि हर कोई पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने में सक्षम नहीं होता है, बिकॉज लॉ प्रोटेक्ट्स सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्संस। तो ऐसे कौन से पर्संस हैं जो लीगली कॉम्पिटेंट नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कौन कौन होंगे आपके, जैसे माइनर्स होते हैं, ल्यूनेटिक्स हैं, इडियट्स होते हैं, अनसाउंड माइंड के जो पर्संस हैं, या आपके जो ड्रंकर्ड्स होते हैं,
या जो ड्रंक पर्सन होते हैं, सो ऑल दीज पर्सन दे आर नॉट लीगली कॉम्पिटेंट टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट. इसके अलावा भी कुछ जो पर्सन होते हैं हु हैव बीन ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम द सिविल कोर्ट्स, जैसे कि आपके फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, दे आर ऑल्सो इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो इन्हीं के साथ हम उनको भी रख सकते हैं, दे हैव बीन प्रोहिबिटेड टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो उनको भी हम क्या कहेंगे, उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए. ठीक है, सो ये था आपकी सिक्स्थ असेंशियल, दैट इज द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज. कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी डील की गई है अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको हम डिटेल में आगे किसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे. नाउ कम्स द नेक्स्ट असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सेवेंथ जो असेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. पार्टीज की जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, दोनों की दोनों पार्टीज सभी टर्म्स और कंडीशंस को समझ के उस कॉन्ट्रैक्ट के आपके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या नेचर है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उनकी क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी, क्या राइट्स होंगे, क्या काम उनको करने हैं, क्या नहीं करना है, ये सभी चीज़ें समझ के जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो अपनी फ्री कंसेंट से उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं. लेकिन अगर आपने किसी को डरा धमका के, किसी से जोर जबरदस्ती करके कोई साइन करवा लिए हैं, ठीक है, तो वो आपकी फ्री कंसेंट काउंट नहीं होगी. बाय मिस्टेक अगर कोई पर्सन है किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, दैट इज नॉट फ्री कंसेंट. तो फ्री कंसेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो फ्री कंसेंट का मतलब क्या होगा, ऐसी कंसेंट जो कि फ्री है, किस किस चीजों से, कॉर्सन यानी कि जो हम डरा धमका के बाय फोर्स अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लेते हैं, तो कॉर्सन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी एक डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करके किसी पर्सन को आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवा लिया है, वो भी नहीं होना चाहिए. मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और इसके साथ में मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए. तो इन पांच चीजों से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्री है तो हम क्या कहेंगे कि वो फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट आपका बनाया गया है. ठीक है, तो ये है आपका सेवेंथ असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इसके बाद जो आपका लास्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय लॉ. ठीक है, तो कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऐसे आपके एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड किए गए हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको प्रोहिबिट किया गया हो या किसी दूसरे एक्ट के अंदर उसको प्रोहिबिट किया गया हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी आप कभी भी कोर्ट्स में एनफोर्स नहीं करवा सकते हो, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, वो सिर्फ एग्रीमेंट रहेंगे. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कुछ आपके प्रोविजन्स हैं जो एक्सप्रेसली बार करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे सेक्शन 30 दैट डील्स विद वेजरिंग एग्रीमेंट्स. वेजरिंग एग्रीमेंट्स दे हैव बीन एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इसके बाद सेक्शन 56 एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. तो ऐसा कोई भी काम करना जो इम्पॉसिबल है, जैसे आप जादू से किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दें, तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वैलिड नहीं होता है. तो इसके अलावा भी और भी काफी सारे प्रोविजंस हैं जो डील करते हैं नॉट एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय लॉ के साथ. सो दीज आर द 8 असेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इन सभी को हम अलग अलग वीडियोस में इन डिटेल भी आगे स्टडी करेंगे. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.